अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फादर एंड सन एडवेंचर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, येट अनदर डे, येट अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम एक हिडन स्पॉट को ना एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। ये हमारे घर के करीब एक रोयल किंग के नाम से एक छोटा सा फास्ट फूड स्पॉट है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जिस जगह पर यह है उसके आस पास सेंटर वगैरह है, कोचिंग सेंटर है और हॉस्टल्स है। तो हॉस्टल्स के हमारे जितने भाई हैं उधर का खाना खा के जब बोर हो जाते हैं फिर उनको रोयल किंग्स आना पड़ता है खामा खा। मैं और डैडी हम लोग खुद भी रोयल किंग्स, इस तरह नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे घर के करीब है। जब हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकले थे, डैडी ने बोला कुछ बाहर का मूड हो रहा है, रोयल किंग्स जाते हैं। हमने ट्राई किया, हमें बहुत अच्छा लगा था और हमने इसी से आइडिया लगाया कि यार इसकी वीडियो तो बननी चाहिए। और नो डाउट इसका फूड बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ फूड एक्सेलेंट है। ये रहे भाई डैडी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज हम आए हैं ये फैज़ अहमद रोड, उस रोड को कहते हैं, और ये है कॉर्नर फातिमा जिना रोड। फातिमा रोड दिखाते हैं रोड, आज ये है फातिमा जिना रोड। इस रोड को शुरू से आखिर तक ये है फैज़ अहमद रोड, ये कॉर्नर है फातिमा जिना रोड के। तो इधर है असफार रोड, दिखाओ बोर्ड दिखाओ। ये देखें, ये असफार खड़ा, ये है रोल किंग, ये है, ठीक है। इसके आसपास अगर मैं दिखाऊं कि ये रोड सारा ही देख लें, ये रोड बहुत खूबसूरत रोड है। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं। मुझे इसलिए पसंद आया ये जगह कि मेरी बेटी इस्लामाबाद में पढ़ रही है, हॉस्टल में है, और वो अक्सर जब खाना जो है टेस्ट चेंज करना होता है तो वो जाती है उधर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छी जगह। ज़्यादातर वो देखते हैं कि पॉकेट को देखते हैं, स्टूडेंट है कम सस्ते में क्या खाएँ। तो ये वो जगह है जो आपको हम लेकर आए इन्जॉय करने के लिए, ठीक है। तो आज चलते हैं, हम बैठ करके इसका रिव्यू देते हैं। एक दो आइटम हमने मंगाए, रिव्यू देते हैं इसका और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा और है। सबसे अच्छी बात इनकी ये कि इनकी रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी जो एवरेज रेट होता है ना जो एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से, लेकिन उससे बढ़ के इनका टेस्ट वो बहुत अच्छा है। तो इनके आइटम ट्राई करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। राजा जी जो अच्छा भाई, हमने इनका जैसे नाम इनका है रोल, रोल्स किंग, सही है। तो रोल बनाना तो मंगवाना मस्त था, प्लस इनके पास जंबो रोल है जिसका साइज आम रोल से ज़्यादा है और बड़ा है, और वाकई में बड़ा भी है। और सात रोल के साथ ही चटनी है ये, ठीक है। 380 रुपीज़ का ये रोल था, इसको खोलते हैं और ट्राई करते हैं। वाह है, अच्छा बड़ा रोल है। ओए होए होए, वो भी चटनी में डिप। भाई मुझे तो बड़ा मजे का लगा, सही स्टफिंग हुई भी है इसकी और सही लोडेड रोल है भाई। खैर बाकी सामान भी ट्राई करते हैं, फिर असल रिव्यू जो डैडी देते हैं ना। अच्छा पिछली बार याद है डैडी हम आए थे, हमने इनका कबाब मंगवाया था और स्पेशली डैडी को बहुत पसंद आया था। कबाब के साथ हमने इनके पराठे मंगवाए, कबाब वगैरह से पराठा जो होता है वो ज़्यादा मज़ा करता है। यह आ गया इनका कबाब है, सही है। ये सिंगल प्लेट कबाब है, दो पीसेस आते हैं। अच्छा देखें बड़ा कबाब है, तो इसको उठाते हैं, चटनी के अंदर डिप करते हैं। बहुत मजे का कबाब है, बहुत लास्ट बट नॉट द लीस्ट
इनका ब्रोस्ट, ये क्वार्टर ब्रोस्ट मंगवाया हमने, और ये जो है चेस्ट पीस है, ये 420 रुपीस का था। उनका जो कबाब है ये 280 रुपीस का था, और कबाब के साथ ये ब्रोस के साथ जो है ना एक्स्ट्रा थोड़े फ्राइज भी दिए हैं उन्होंने। ब्रोस को ट्राई करते हैं। डैडी डैडी ने बोला चेस पीस मंगवाओ बेटा, हमने चेस पीस ही मंगवाया है। अच्छा, एक एक पराठे इसके साथ है ना, फुल गरम गरम है, ये देखो कैसे धुएं निकल रहे हैं। डैडी इसी को ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको डिप करते हैं चटनी के अंदर। गरम है, ओवरऑल टेस्ट वाइज ना वेल डन, बहुत मजे गए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ आप लोग भी ट्राई करो। तो मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगता है। डैडी आप खाओ, मैं भी खा लूँ जरा। अच्छा, ये तो मीठा नहीं है, मीठा छोड़ता नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है। भर के खाओ, कोई रोक टोक, ठीक है जी, सही है। अच्छा, मैं खा करके अभी थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ इसका। अस्वाद, चटनी भी इसकी अच्छी बेहतरीन लग रही है, गाढ़ी गाढ़ी पतली नहीं है, ये मजे की चटनी है बहुत। कबाब तो मजे के हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना, ये चटनी डिफरेंट है, मजे की है, बहुत मजे की है। और कबाब ना बिल्कुल सॉफ्ट है, और बहुत मजे के हैं। मसाला जैसी बच्चियां मांगती हैं ना, हल्का सा मसाला हो, क्रिस्पी हो। इसमें अभी जो मैंने खाया, देखें इसमें मसाले ज़बरदस्त डले हुए हैं, ना तो आपका अभी सीना जलता है ना कुछ। मुझे तो बड़ा पसंद आया इस बार, बना भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया इन्होंने, जलाया नहीं बिल्कुल। कबाब का ये होता है कबाब जलना नहीं चाहिए, उससे ही पका होना चाहिए, अंदर से ही पका हुआ इस बार, बेहतरीन। आज तुम वीडियो बनाओ, मैं खा के इंजॉय करूँगा। मजे का बनाओ, बाकी सामान भी खाओ ना, ये भी ट्राई करो। डैडी को कबाब इतना अच्छा लग गया कि डैडी ने बस बोला सिर्फ कबाब, सिर्फ कबाब। हाँ, रोल खाओ इनका, जंबो रोल पे रिव्यू दो, बताओ कैसा है। रोल भी अच्छा है। अच्छा, रोल जो है वो आपके दौर की चीज है, आप लोग खाते हो तो आपको पता चलेगा। वैसे एक बात है, मजे का रोल मुझे अच्छा लग रहा है, फुल अच्छा मोटा रोल है, सही स्टफिंग हुई भी है, और टेस्ट वाइज भी अच्छा है। इसका अपना सॉस है, चीज़ी है, चीज़ है, मजे का है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद। ब्रोस सर, प्लीज ट्राई द ब्रोस, ब्रोस ही बहुत मजे का है। ब्रोस का एक पीस ले जाता हूँ मैं। अच्छा, क्रिस्पी और चिकन सही बना हुआ, बेहतरीन पका हुआ चिकन। इसकी आपको सबसे अच्छा स्पेशल बात बताऊं, ये सारा खाना जो तैयार हुआ है ना, ये सारा का सारा मेरे सामने हुआ है, मतलब फुल फ्रेशली हर चीज आपके लिए, यहाँ तक कि जो इसको डिप किया था ना कॉर्नफ्लोर के अंदर, किसके अंदर करते हैं जिससे इसका क्रंची मिस आता है, वो तक मेरे सामने किया था। नहीं, ये असर बात ये, एक तो सिर्फ इनका जो किचन है वो भी ओपन ही है। हाँ, ये देखें, ये आप हम बैठे हुए हैं, ये पीछे इनका किचन है। अच्छा, ऊपर भी बैठने की इनकी जगह है, वो रास्ता है, वो सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर, ऊपर फैमिली की जगह है, फैमिली की जगह भी है इनके पास। अच्छा, साइड पे उन्होंने बिल्कुल फैमिली के अलग जगह दी है, जो फीमेल आती है, फैमिली आती है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, और रेट्स भी रीजनेबल है। और दूसरी बात ये, इनके डिलीवरी है आपके ना? अच्छा, डिलीवरी भी है, इनका नंबर आप सब हम शेयर कर देंगे, आप चाहे तो उनका मंगा सकते हैं, आप फूड आइटम जो भी मंगाने आपने, और मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। अब मैं खाऊं? रखो, दोनों खाते हैं यार, ठीक है, फिर आखिरी रिव्यू पे दोबारा। ओके 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, आपने देखा हमने क्या आइटम्स मंगवाए हुए थे, जिसमें बीफ सीख कबाब के 250 रुपीस प्राइस थी, रोज जो था क्वार्टर चेस्ट पीस वो 420 का था, जंबो रोल 380 का था, एक नान मंगवाई थी आधी हमने जो 30 रुपीस की आई, पूरी पराठे जो थे वो दो थे वो उसके हो गए 40 रुपीस, और एक सॉफ्ट ड्रिंक दी थी मैंने
जिसके एड अप हो गए 80 रुपीज हो गए। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक ना, अच्छा पराठे, दो पराठे थे, पराठे जो है वो एक पराठा उसके साथ था, उसके साथ था, हाँ, एक उसके साथ। अच्छा 40 रुपए का एक ही पराठा जी, तो 40 रुपए का एक पराठा, तो टोटल बिल हमारा बना है 1200 ओनली, 1200 रुपीज। बाय द वे रोल किंग जो है, अगर आप डिलीवर कराते हैं आइटम्स तो उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ है। बाकी इसकी मैं सही से पिक्चर लेकर अटैच कर दूंगा, ये इनकी डील्स हैं और ये टोटल इनकी प्राइसेस हैं, इनका टोटल महंगा है, इनका नंबर भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। अभी तक हमने जो आइटम ट्राई किए ना, बहुत अच्छे, कबाब बहुत अच्छा था, रोल बहुत अच्छा था, रोज बहुत अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था, फ्रेश बना था, इसलिए खाने में मज़ा आया डैडी, बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। 1200 रुपये में दो बंदों का पेट भर गया सही टाइट जबरदस्त शॉपिंग के साथ। दूसरी बात ये देखो, बात पेट भरने की बात ये कि जो आप खा रहे हो ना, वो पैसे आप जिस पे दे रहे हो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यस, और वो इनके कबाब, इनके रोल, हर चीज़ परफेक्ट बना हुआ था और अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यही तक था व्लॉग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।